सीजन में तीर्थ पुरोहितों द्वारा किया गया रिसीवर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तथा कथित गिरिराज मंदिर का रिसीवर है रमाकांत, पेंशन घोटाला, खास महल घोटाला, जमीन घोटाला आदि समस्याओं को लेकर किया गया प्रदर्शन, कहता है न्यायालय मेरी जेब में रखी हुई है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया विरोध प्रदर्शन। पूर्व से ही विवादों के घेरे में तथाकथित गिरिराज मंदिर का रिसीवर रमाकांत, वादी प्रतिवादी रिसीवर मिलकर कर रहे हैं मंदिर संपत्ति में घोटाला, गवाहों को करता है खरीदने बेचने का धंधा, गिरिराज पर्वत पर अवैध निर्माण कर बनाया गया धार्मिक स्थान, उन पर चल रहा है न्यायालय में विवाद, रिसीवर है नियुक्त रमाकांत। SDM गोवर्धन नागेंद्र सिंह द्वारा जांच में पाया गया था प्रथम दृष्टया दोषी, तीर्थ पुरोहितों द्वारा कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन की दी चेतावनी, रमाकांत रिसीवर के खिलाफ तीर्थ पुरोहित समाज में व्याप्त है आक्रोश, तीर्थ पुरोहित समाज गोवर्धन को विष्णु स्वामी संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा श्री खालसा पंथ श्री गोवर्धन पीठ के पीठाधीश्वर गोस्वामी आचार्य द्वारा खुला समर्थन, गोवर्धन के पूर्व जमींदार एवं तीर्थ पुरोहित समाज के आध्यात्मिक नेता पंडित राजकुमार लवानिया विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल, सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तीर्थ पुरोहित समाज। आज जो आपने हाय हाय करी गई है, मुर्दाबाद की गई है, किस संबंध में की गई है? ये गोवर्धन मुखारविंद के रिसीवर रमाकांत गोस्वामी द्वारा जो अनियमितताएँ, जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, उनके उसमें विरोध में ये हमने धरना प्रदर्शन किया है। जो गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर पे जो फर्श पुराना बना हुआ था उसको तोड़ के दूसरा बना दिया, दूसरे को तोड़ के तीसरा बना दिया, और अपने भ्रष्टाचार अपने धन के हरण करने से नहीं रुक रहा है। वो अदालतों में कितनी शिकायतें करने के बावजूद भी वो नहीं किसी की मानना है, कहता है मेरे मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से संपर्क है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अदालत भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये हम संज्ञान में देना चाहते हैं सभी को, मीडिया के माध्यम से कोर्ट भी संज्ञान ले इस पे, गवर्नमेंट भी संज्ञान ले, इसके भ्रष्टाचारों को रोके, यही कहना है मेरा। तो इसमें कौन कौन शामिल है भ्रष्टाचार कराने में इनके साथ में? मुख्य सरगना ये रमाकांत गोस्वामी है, इसके साथ में और भी तो होंगे, जैसे आपके ठोकदार है जो भी हैं, और आपके वादी प्रतिवादी, कौन कौन है ये? अब ये जो मालूम पड़ेगी जांच में, सारी जांच में सबकी मालूम पड़ेगी। जो SIT की जांच चल रही थी उसमें अब तक क्या हुआ आपको? कुछ उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आप क्या चाहते हो कि इसकी जाँच हो, CBI से जाँच होनी चाहिए आपकी, इसकी इस प्रकरण की CBI से जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। रघुदयाल शर्मा, मंदिर रिसीवर क्या कहता है मुखारविंद पाल का तो जेब में है, और क्या कर रहे हैं? आज भ्रष्टाचार घोटाला रहा है, क्या क्या किया है इसने अब तक? इसने बहुत इतने गंडगोल किए हैं कि पूछो मत। ना खास महल जो रहता है, जो अवैध जो 60 लाख का था वो 3.25 करोड़ रुपए में बेचा है, और ये जो फर्श बनवाया है इसने लॉकडाउन में, ये इटालियन पत्थर ही नहीं है, ऐसी घिसाई नहीं होती है, इटालियन पत्थर की कभी घिसाई नहीं होती है। घोटालेबाज है ये, घोटालेबाज नंबर 1।